दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल लेडीज स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज डिज़ाइन देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो ये मैंने लंबाई ली है 14 इंच और चेस्ट है हमारा 9 इंच यानी 36। मैंने यहाँ पर बॉटने के हिसाब से 4 इंच चौड़ाई और 3 इंच ली है इसकी लंबाई। और नीचे से मैंने इसको रखा है 3.5 इंच और यहाँ पर मैं एक शेप दूंगी, ड्रॉप शेप। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। अब सबसे पहले हम करेंगे इसको नीचे से अटैच। और इसको वापस फोल्ड करने के लिए एक सिलाई अस्तर पर जरूर चला लें। नीचे से अटैच करने के बाद में सबसे पहले आप अपने ब्लाउज़ का गला जो है वो सेट कर लें, ताकि जो एक्स्ट्रा है वो दोनों साइड से बराबर निकले। और चारों तरफ से भी हमें इसी तरह से अटैच करना है। अब सबसे पहले ये जो ड्रॉप शेप हमने कटिंग किया है वहाँ पर लगाएंगे हम पाइपिंग। तो इसके लिए आपको रेब लेना है और इस पाइपिंग को आपको खींचते हुए लगाना है। अब देखिए, पाइपिंग यहाँ पर लगानी है तो आपको जो पसंद हो तरीका उस तरीके से आप ये पाइपिंग लगा सकते हैं। अब उसके बाद ऊपर जो नेक है वहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है और उसके साथ में अटैच डोरी भी रखनी है, तो इसलिए मैंने लंबी ली है और ये पट्टी। ये देखिए, गला जो जहाँ तक हमारी पाइपिंग लगी है उसके अलावा मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें पहले डोरी बनानी है, तो ये इस तरह पलटेंगे इसको और जैसे हम डोरी बनाते हैं पीछे ब्लाउज़ में नेक में लगाने के लिए, तो उसी तरह से हमें इसमें एक तरफ मुँह बंद कर लेना है और जितनी पतली या मोटी जैसी आप करना चाहें उस हिसाब से इस पर सिलाई लगा दें और वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारा गला अटैच है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो कटिंग कर लें। और उसके बाद ये तार की मदद से मैंने इस डोरी को निकाल लिया है। अब जो पीछे बचा है नेक, वहाँ पर हमें इस पाइपिंग को पलट लेना है। तो यहाँ हमें अलग से डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, एक तरफ लगा ली मैंने, दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें लगानी है। तो ये हमारी अटैच डोरी हो जाएगी इसके साथ में ही। अब देखिए, बुकरम लेनी है हमें और यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई लिए लगभग 1.5 इंच।
और यहाँ पर मुझे एक बेल शेप जो होता है घंटी वाला आकार, तो उस आकार से हमें ये बुकरम कटिंग करनी है, ये कुछ इस तरह से। तो ये मैंने 5 लिए हैं और उसमें 2 कलर में मैंने इसको प्रेस के साथ में चिपका लिया है। आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी दूरी से कटिंग कर दी है, जितना हम फोल्ड कर सकें इसको। तो इन बेल शेप को जो है हमें फोल्ड करना है। तो ये सारे मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अब ये लगा दिया मैंने सेंटर पर निशान, और ये गले की आधा इंच की दूरी पर हमें ये सारे लगाने हैं, यानी ऊपर के साइड में आधा इंच छोड़ते हुए लगाना है। तो देखिए 5 मैंने अटैच कर लिए हैं। अब ये रेडीमेड डोरी है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं ऊपर के साइड में इसको लगा रही हूँ। ये 5 में ही हमें इसी तरह से ऊपर ये डोरी लगानी है। और उसके पास मेरे पास है, उसके बाद ये मोती है मेरे पास, तो यहाँ पर हमें ये लगाने हैं ताकि ये बेल लगे। और ये हो जाएगी हमारी पीछे वाली डार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लाउज़ डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसका नाप मैंने लिया है 14 इंच लंबाई में, यानी 13 इंच ब्लाउज के लिए, और 9 इंच लिया है चेस्ट 1/4, यानी 36 चेस्ट। और यहाँ पर मैंने लिया है बॉटनेक 4 इंच चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में। इसमें हम सिर्फ यही कटिंग देंगे और बाकी जो चीज़ है वो बनाएंगे हम बुकरम से। तो सबसे पहले हम इसे अस्तर के साथ में जोड़ लेंगे। और मैंने इसको फोल्ड कर लिया है ताकि पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसको हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक हार्ट शेप बनाना है, तो उसके लिए मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, एक निशान कर दिया है सेंटर में। अब हम कटिंग करेंगे बुकरम की। तो यहाँ अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग आप हार्ट शेप जो है लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 6.5 इंच लिया है। और ये चौड़ाई में लगभग 3.5 इंच है, और यहाँ पर हमें रखना है लगभग 0.25 इंच तक। और इसी के साथ में मैंने 2 छोटे हार्ट शेप भी कटिंग किए हैं।
तो इन सब को मैंने कपड़े पर रख कर चिपका दिया है। अस्तर वाला कपड़ा है ये, और चारों तरफ से कटिंग भी कर दी है क्योंकि अस्तर कॉटन का है तो वो निकलेगा नहीं। अब ये इस तरह से सेंटर इसका भी निकालने के बाद यहाँ हमें सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर पर, पास में बुकरम पर हमें मशीन नहीं चलानी है। और ये बीच में से हम इसकी कटिंग करने के बाद में कट लगा लेंगे इसको। और ये दो छोटे जो हार्ट शेप हमने कटिंग किए थे ये लगाने हमें दोनों तरफ। तो इसी तरीके से इस दूसरे वाले की भी कटिंग करके हम फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर लगानी है हमें पट्टी, तो अब ये अंदर वाली पट्टी है तो ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लेनी है और खींचनी भी नहीं है। तो अब लगाएंगे हम लेस। तो एक साइड लगाइए, इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी लेस लगानी है। और ये जो छोटे हार्ट शेप है यहाँ पर भी हम इसी तरह से लेस लगाएंगे। अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें डार्ट लगा लेनी है पीछे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये मैंने लंबाई ली है 14 इंच, और यहाँ मैंने चेस्ट लिया है 9 इंच, शोल्डर लिया मैंने 6 इंच, और मैंने इस गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लंबाई में मैंने लिया इसको 8 इंच। अब देखिए इस तरह के हमें इसमें शेप देना है।
अब इस शेप की हम कटिंग नहीं करेंगे। अब जैसे अस्तर है यहाँ पर हमें वापस बैक से दिखाई दे रहा है वो डिज़ाइन, तो हम दूसरी साइड भी इसी तरह से इसको छाप लेंगे। अगर आप बिना बुकरम से कभी भी गला बनाते हैं तो आप इसको कटिंग नहीं देंगे तो वो अच्छा बैठेगा, लूज़ नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने अस्तर की कटिंग अभी नहीं दी है। तो ये सबसे पहले मैंने नीचे सिलाई लगाई है और ऊपर मैंने थोड़ा सा पिनअप कर लिया है ताकि बिल्कुल भी झोल ना आए। अब हम अंदर से इसकी कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच दूरी से। अब इसको करना है हमें फोल्ड और ऊपर एक सिलाई चलानी है। जैसे हमने गले पर चलाई है ऊपर वाली सिलाई, वैसे ही हमें नीचे वाली साइड में भी एक सिलाई चलानी है ताकि ये बैठ जाए। अब देखिए बुकरम की कटिंग करनी है हमें, पिछले हिस्से के अकॉर्डिंग ही हमें इस बुकरम को फोल्ड करना है। और ये जो गला था ये हमें इस पर छापना है। तो ये हमने गला छाप लिया है, इस साइड से हमें आर्म होल भी छाप लेना है। और यहाँ से मैंने इसको ले लिया है 1/2 इंच। ये देखिए ये जो गोलाई है तो इस गोलाई को हमने 1 इंच बढ़ा लिया है नीचे और ऊपर दोनों साइड में, और जहाँ तक हमारा नीचे का सेंटर है उस हिसाब से हमने 1 इंच इसको ऊपर रख लिया है। और ये इस तरह से हमें नीचे वाली गोलाई देनी है, यानी कि अब हमें जो कटिंग करना है वो कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से गले के जस्ट नीचे। और यहाँ पर हमें बुकरम कितनी लेनी है, ये लेनी है हमें 1-1 इंच इस तरह से। देखिए ये शेप आपको दिखाई दे रहा है, तो इस शेप से हमें बुकरम कटिंग करनी है जो गले के जस्ट हमने पास पास में रखी है। और ये पहले मैं चिपकाऊंगी, यानी कि मैंने चिपका लिया है अब, और उसके बाद जब हम कटिंग करते हैं तो ये गले फैलने का जो डर होता है वो नहीं होता। अब ये देखिए निशान हमें दिख रहा है, प्रेस करने के बाद में भी हमें ये निशान जो है वो दिख रहा है। ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगी हमारी बुकरम, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें सेट करनी है, लगानी है। देखिए यहाँ पर हमें बीच में थोड़ी सी लेस लगानी है, तो उसके लिए हम पहले निशान कर लेते हैं ताकि लेस पहले लग जाए तो वो लेस जो है वो अंदर दब जाएगी। तो सबसे पहले तो ऊपर की साइड में हमें यहाँ तक लेस लगानी है दोनों साइड में ही। अब जो सेंटर पर हमने निशान बनाया है यहाँ पर भी हमें लेस लगानी है।
तो यहाँ पर सेंटर में लेस हो गई है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें एक लेस और लगानी है, तो यहाँ पर मैं निशान कर लिया है और इससे एक इंच नीचे हमें ये लेस लगानी है। अब ये चारों तरफ लेस लग जाए उसके बाद में ये हमें अटैच करना है। तो ये जो हमने सारी लेस लगाई थी वो सब दब चुकी है। तो ये मैंने दोनों तरफ लगा लिए लेस। अब नीचे की साइड से हमें एक और लेस लगानी है। और अब हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डार्ट लगा लेंगे। तो अगर आप छोटा गला पहनते हैं थोड़ा सा तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये हमारा पिछला पर्दा जो मैंने लिया है 15 इंच लंबाई में, और इससे जो ब्लाउज लंबाई बनेगी वो होगी लगभग 14 इंच, और यहाँ से मैंने इसको लिया है 9.25 इंच यानी कि 37 चेस्ट के लिए। शोल्डर लिया है मैंने 7.25 इंच बॉट नेक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है 4 इंच और लंबाई भी मैंने ली है इसकी 4 इंच। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर आर्म होल से मैंने इसकी कटिंग ली है और नीचे की साइड से 4.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और राउंड शेप दिया है। अब यहाँ पर हमें लगाना है 3-3 इंच पर एक निशान। तो इस तरह से हमें राउंड शेप देना है यहाँ पर। तो इसे अब हम साड़ी पीस पर रखकर कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ जो गोलाई है वो हम अभी नहीं देंगे, बस डायरेक्ट सीधा मैंने कटिंग कर लिया है यहाँ पर, ये अटैच होने के बाद हम इसके अंदर से कटिंग दे देंगे, तो हमें थोड़ी सुविधा रहेगी जोड़ने में। तो इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है, अब हम कर देंगे इसके अंदर वाले से कटिंग। दोनों हिस्से हमें इसी तरह से जोड़ने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें लगानी है पाइपिंग, पाइपिंग लगाते समय थोड़ा सा आप सावधानी रखें, ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं लेना है अंदर, और जहाँ पर ये कॉर्नर आते हैं वहाँ पर हमें पाइपिंग को नहीं खींचना है, गोलाई आती वहाँ पर हल्का खींच लें और जहाँ कॉर्नर बनते हैं वहाँ पर नहीं खींचें इसको। पलटने से पहले आप चाहें तो इस तरह से पाइपिंग को हाफ इंच उलट सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारी पाइपिंग हो जाएगी। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पाइपिंग लगानी है, तो दोनों साइड पाइपिंग हो जाएगी हमारी। तो पहले हम ऊपर वाला गला बना लेते हैं, उसके बाद इसे हम अटैच करेंगे। अब हमें इसको सुई की मदद से अटैच करना है। और यहाँ पर जो दो हिस्से हैं साइड वाले, तो यहाँ पर हमें नीचे एक छोटा सा कपड़ा रखकर उसे अटैच करना है, उसके बाद ये हमारी डाट हो जाएगी। आप चाहें तो इस तरह से फ्लावर जो है वो लगा सकते हैं, और बीच में हम लगाएंगे यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने सिलाई से जॉइंट किया है वहाँ पर एक एक बटन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसा लगा? पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग देखेंगे। मैंने फर्मा कटिंग की है, और इस फर्मा कटिंग के लिए डबल फोल्ड करने के बाद लंबाई ली है मैंने 14 इंच, जिससे 13 इंच ब्लाउज बनेगा, और यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 9.5 इंच 1/4, यानी कि अगर हम देखें तो ये 38 इंच चेस्ट है। इसमें बनाएंगे हम बॉट नेक, तो मैंने चौड़ाई 4 इंच ली है, आप इससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, और लंबाई भी मैंने ली है 4 इंच। तो इस तरह से सिंपल सा पहले हमें कटिंग देना है, 1/2 इंच डाउन करना है शोल्डर, तो ये मैंने कटिंग कर लिया है।
अब देखिए यहाँ से मैंने बीचों बीच सेंटर पर जो निशान लगाया है वो लगाया लगभग 4.25 इंच, और यहाँ से इसे हम लेंगे 2.5-3 इंच के बीच में, यानी कि 2.5 से लेकर डिज़ाइन है 3 इंच के बीच में हम लेंगे इसको, और ये कुछ इस तरह का शेप हमें देना है इसमें। और यहाँ से हम इसको कर देंगे 2 हिस्सों में डिवाइड। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अंदर दबने वाला है, इसका मतलब इस हिस्से को हमें 1 इंच बढ़ाना है, और जो निचला हिस्सा है उसे हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ जैसा हमने कटिंग किया था वैसा का वैसा हमें इसे लेना है। और जो दूसरा हिस्सा है वो मैंने आपको पहले बता दिया, 1 इंच इस तरह से नीचे की साइड से बढ़ाना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है इसका। ये कटिंग हो जाएगा, ये दोनों हिस्से मैंने ब्लाउज पीस पर रखकर कटिंग कर लिए हैं। तो हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं जैसा नीचे फोल्ड करती हूँ ताकि पट्टी लगानी नहीं पड़े, तो दोनों हिस्सों में हमें फ़ोल्ड करना पड़ेगा, ये ब्लू में भी करना होगा और ऑरेंज में भी, जो थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा है उसे भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। तो ये फोल्ड भी कर लेंगे और चारों तरफ से इसको अटैच भी कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि ऑरेंज में भी जो निचला हिस्सा थोड़ा सा है तो उसे भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और चारों तरफ से अटैच कर लेना है। तो ये दोनों हिस्से हमारे जुड़ जाएंगे और ये इस तरह से एक के ऊपर एक आएंगे 1 इंच की दूरी तक। तो यहाँ पर पहले हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो इस पाइपिंग को हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज़ हम इसको उलट लेंगे। अब देखिए इस तरह से अटैच होगा। तो यहाँ पर हमें एक पट्टी तैयार करनी है, तो ये पट्टी लगभग 10.5-11 इंच के बीच तक हमें करनी है। तो ये मैंने अखबार लिया एक, और यहाँ पर मैंने निशान लगाया है 1.5 इंच पर, यानी चौड़ाई में 1.5 इंच है, और ये पट्टी लगभग ले लेनी है हमें 11 इंच तक। और यहाँ पर हम ये निशान लगाएंगे 1.5-1.5 इंच की दूरी पर। अब देखिए ये मैंने पट्टियाँ बनाई हुई है, तो ये हमें कटिंग कर लेनी है इस नाप के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। अब जो साइड में एक्स्ट्रा था 1.5 इंच के अलावा, तो हम इसको कट कर देंगे दोनों तरफ से। तो ये दोनों साइड हमने लगा ली पट्टी। अब यहाँ पर हमें इसे अटैच करना है।
अब देखिए आप चाहें तो एज इट इज़ रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये इस तरह से कटिंग दे सकते हैं। तो बीचों बीच मैंने सेंटर से इसकी कटिंग कर ली है, और ये जो दोनों चीज़ें हैं दोनों साइड हम पलट लेंगे। पहले लगा लेते हैं हम ऊपर वाले गले पर पाइपिंग, उसके बाद हम इन दोनों हिस्सों को अटैच कर लेंगे। अब देखिए अटैच करने से पहले नापे जरूर आपकी लंबाई जितनी भी है, जैसे 13 इंच बनाने के लिए 13.5 इंच होना चाहिए, तो इस नाप के अकॉर्डिंग आप इसको अटैच करें। दूसरी साइड से भी नाप लें। अब जो अखबार हमने लगाया है न्यूज़पेपर, उसे हम फाड़ लेंगे, निकाल लेंगे, और डार्ट भी हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लेनी है। अब देखिए ये मैंने एक लेस तैयार की है, रेडीमेड डोरी है, उसमें मैंने 3-3 फूंदे दोनों साइड में लगाए हैं, और यहाँ पर मैं इसको अटैच करने वाली हूँ। आप चाहें तो इस तरह से खुले रख सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से बांध भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।